एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? और आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक किड्स के लिए फन एक्टिविटी गेम, और जिसे वो इजीली लर्निंग भी कर सकेंगे और बहुत सारी चीज़ें उससे वो इजीली सीख जाएंगे। आपको अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बच्चों को क्या पसंद है? गेम्स खेलना। और हमसे हमेशा वो किस चीज़ की डिमांड करते हैं? टॉयज़ की। और हम डिमांड करते हैं, हम मार्केट से जाके उनके लिए बहुत सारे गेम्स लेके आते हैं, टॉयज़ लेके आते हैं। जैसे वो एक दो बार खेलते हैं और उससे वो बोर हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर वो एक नए गेम्स की डिमांड करते हैं, फिर हम लेके आते हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा, वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो क्यों ना हम जो बच्चों के गेम्स हैं और जो फन एक्टिविटीज़ हैं वो हम उन्हें घर में कराएं, घर के सामानों से या वेस्ट सामानों से इजली बना के, और उसकी कॉस्ट अराउंड बस 20 या 30 रुपीज़ की आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों को नए गेम्स ज़रूर चाहिए। तो आप, मैंने इस वीडियो में ऐसे ही गेम्स बनाए हैं जो आपके घर में के सामान में आपको ऐसा सामान मिल जाएगा जिससे आप अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जिससे वो एंजॉय भी करेंगे और उससे वो लर्निंग भी करेंगे और राइटिंग स्किल्स भी सीख जाएंगे। अगर आपका बच्चा प्ले में जाता है या जाने के लिए रेडी है या नर्सरी में है, तो उनके लिए ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अपने बच्चों को लर्न कराना और साथ साथ में राइटिंग स्किल्स भी कराना। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो राइटिंग मतलब लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं होते, क्योंकि उसको करने के लिए उन्हें क्या करना है, जैसे बैठना पड़ता है, और बच्चे बैठ बिल्कुल भी नहीं सकते। तो आप उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू ये चीज़ कराएंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेके इस चीज़ को करेंगे। तो मैं ये वीडियो में इस टाइप के ही गेम्स लेके आई हूँ, और अगर आपको इस एक्टिविटीज़ को अच्छे से अपने बच्चों को कराना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि बच्चों को आप किस टाइप से ये एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जिससे वो एज अ गेम समझ के करें और उन्हें ये चीज़ें जो आप कराने वाले हैं वो एज अ लर्निंग भी हो जाए। चलो देखते हैं कि वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है। पहली जो फन एक्टिविटी है वो ये है, और इसे मैंने बनाया है थर्माकोल की प्लेट पे, और इसे बनाना बहुत इजी है। और इसमें 3 बॉक्सेस हैं, एक बड़ा बॉक्सेस है, तो मैंने अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग कलर्स कर दिए, एक में रेड, ब्लैक, येलो एंड ग्रीन, और हर बॉक्सेस पे मैंने नंबर्स लिख दिए हैं 1 to 10, जिससे आप 2 एक्टिविटी करा सकते हैं इस प्लेट से। एक एक्टिविटी होगी कि आपको कलर्स पहचानना होगा बच्चे को, और दूसरी एक्टिविटी है कि उसे नंबर्स पहचानने होंगे। और मैंने ये 2 टिकट्स भी बनाई हैं, और मैंने ये जो टिकट्स है वो बनाई है वेडिंग कार्ड्स होते हैं जो हमारे वेस्ट होते हैं उनसे बनाई है, कि ये इतने हार्ड हैं कि बच्चे ने फाड़ भी नहीं सकते, और ये लॉन्ग मतलब आप इसको रीयूज़ कर सकते हो ईज़िली। चलो देखते हैं इसे हमें कैसे गेम कराना है बच्चों को। सबसे पहले मैं ले रही हूँ कलर्स की टिकट्स। इसमें सारी टिकट्स हैं जो प्लेट में कलर हो रहा है उसी सेम कलर की टिकट्स हैं बाउल में। जैसे अगर बच्चा पिक करता है ब्लैक तो उसे बोले कि ब्लैक में रखेंगे, रेड पिक कर रहा है तो रेड में करें। आप इस तरह से पिक ला सकते हो, आप बोलेंगे कि अभी आप येलो में टिकट्स ढूंढो तो बच्चा येलो ढूंढेगा। आपका बच्चा जैसे भी हो, अगर आपके बच्चे को भी कलर्स की नॉलेज नहीं है तो आप उसे बोलिए ये रेड, ऐसा सेम कलर का कोई टिकट निकालो, ब्लैक ऐसे ब्लैक कलर का कोई सेम टिकट निकालो। अगर आपका बच्चा कलर्स जानता है तो आप बोल सकते हो कि ग्रीन, येलो, ब्लैक, और आप इसको टाइम के हिसाब से भी खिला सकते हो, यानी जल्दी जल्दी आप बोलोगे तो बच्चे उतनी जल्दी जल्दी टिकट्स पिक करेंगे। ऐसे ही दूसरा जो हम इसके साथ गेम जो एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चों को है वो है नंबर से। अगर आपका बच्चा न्यूमेरिकल्स जानता है यानी 1 to 10 जाता है, तो जैसे जैसे उसके हाथ में नंबर्स आएंगे वो जिस ब्लॉक में नंबर लिखा है वहाँ टिकट रखता जाएगा। अगर आपके बच्चे नंबर्स नहीं जानते हैं और अभी स्टार्टिंग है तो आप बोलो कि इस पे जो नंबर लिखा हुआ है ऐसा सेम नंबर आप अपनी टिकट में से ढूंढो और पेस्ट करो। अगर आपका बच्चा बहुत टाइम से 1 to 10 ईजली जानता है, वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो आप इसे टाइम के हिसाब से भी खेल सकते हो कि आप जो नंबर बोलोगे बच्चे को उसे पिक करना है और उसी ब्लॉक में खेलना है। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है और उनकी एक स्पीड होती है, यानी ब्रेन को कितनी जल्दी से वो समझा पा रहे हैं कि हमें कौन सी टिकट पिक करनी है। ये था पहला गेम। अब दूसरा गेम है, ये है रिटर्न स्किल्स के लिए। जो बच्चे प्री मतलब प्ले स्कूल या नर्सरी में होते हैं उनके वो सबसे पहले सिखाई जाती है स्टैंडिंग लाइन और स्लेटिंग लाइन, जिसके बाद ही वो 1 या कोई अल्फाबेट लिख सकते हैं। तो बच्चे आप बोलोगे कि ऐसे बनाओ, सिंपल मैं ड्रॉ डॉट करके दे रही हूँ तो आप बनाओ, बच्चे नहीं इंटरेस्ट होते हैं। तो मैंने एक शीट बनाई है
जिस पे मैंने एक बॉल बनाया है जिस पे हम्प्टी डम्प्टी बैठा हुआ है और कुछ क्लाउड्स बनाए हैं, और जो वॉल की दीवारें हैं उस पे मैंने स्टैंडिंग लाइंस बनाई है। तो बच्चे क्या होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे पिक्चर्स को देख के। तो आप इसको भी हम दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, एक तो कि आपको बच्चे को स्टैंडिंग लाइन आ जाएगी और दूसरा पोएम्स, यानी आप पोएम बोलते जाइए और बच्चों को ड्रॉ कराते जाइए, इससे उसको ड्रॉ करना भी आ रहा है और पोएम भी उन्हें लर्न हो रही है। दूसरा, मैंने स्टैंडिंग लाइन की एक शीट तैयार की है जिसमें मैंने साइड में क्लाउड्स बना लिए हैं और रेन्स की क्लाउड से क्या हो रहा है, रेन हो रही है, तो उसको मैंने स्लैंटिंग लाइन में डॉट डॉट्स करके बना दिया है। तो आप बच्चों को बोलिए कि क्या हो रही है, क्लाउड में रेन हो रही है, तो आपको क्या करना है, रेन ड्रॉ करना है, तो उसे स्लैंटिंग लाइन भी बनाना आ जाएगा और साथ में आप उसे पोएम भी बुलवाइए। एक लाइन आप बोलिए तो आप उसे बोलिए कि आप मेरे साथ साथ ये पोएम बोले, तो वो इंटरेस्ट में आगे ये दोनों काम करेगा, स्लैंटिंग लाइन भी ड्रॉ करेगा और पोएम्स भी बोलेगा, तो उसे पोएम भी लर्न हो रही है और स्लैंटिंग लाइन भी हो रही है। तो इस तरीके से मैंने दोनों शीट बनाई है और ये सारी शीट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं और इसकी कॉपी निकलवा सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप ये जो एक्टिविटीज़ है अपने बच्चों को कराइए और फिर मुझे ज़रूर बताइए कि आपके बच्चों ने इसको एंजॉय किया है। और ऐसे ही आगे मैं वीडियो और बनाऊंगी बच्चों के राइटिंग स्किल्स और ब्रेन डेवलपमेंट पे इजीली। अभी जो ये मैं एक्टिविटीज़ बना रही हूँ वो जनरली 4 ईयर्स तक के बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसके जब बड़े उसके जो ऊपर होते हैं 4 ईयर्स के ऊपर, वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो अलग टाइप के गेम्स में आ जाता है। अगर आपके बच्चे प्ले में जाना स्टार्ट करते हो अराउंड 4 ईयर्स तक, तो ये एक्टिविटीज़ अपने घर में करा सकती है। राइटिंग स्किल्स नर्सरी तक के बच्चों के लिए ही है, क्योंकि उन्हें ही स्टार्टिंग होती है पेंसिल को पकड़ना और ये राइटिंग स्किल्स स्टैंडिंग और स्लैंटिंग लाइन करने के लिए। और बट इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि आप एक साथ दो चीज़ें करा पा रहे हैं, मतलब लिखवा भी पा रहे हैं और उन्हें पोएम्स भी लर्न करा पा रहे हैं, और इस तरह से बच्चों को ना याद रहती है। आप अगर बच्चों को कुछ चीज़ याद करना तो आपको कैसे याद करना पड़ेगी, क्योंकि कोई पॉइंट्स ऐसा ना जो उनको इंटरेस्ट लगे तो वो उस चीज़ को याद करते हैं। जैसे वही हम लोग सेंडिंग लाइन करते उसमें क्या था, रेन हो रही थी, तो बच्चों को रेन तो याद रहती है क्योंकि वो बारिश आती है तो हमेशा बोलते हैं मम्मा रेन आई है, तो आप उसकी तरफ तो आप जब भी बोलो कि कौन सी स्लैंडिंग लाइन से हम कौन सी पोएम बोलते हैं तो वो बोलेंगे रेन रेन गो अब ऐसे, तो उनको क्या हो रहा है, दोनों चीज़ लर्न हो रही है, लिखना भी आ रहा है और पोएम को बोलना भी आ रहा है। आप इसे अगर आप ऐसी एक्टिविटी रेगुलर अपने बच्चों को कराते तो आप देखोगे 2 या 3 दिन में बच्चे ईजिली पूरी पोएम कम्प्लीट करने लग जाते हैं। और ऐसी वीडियो मैं और लाऊंगी, पर प्लीज़ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरी आगे की वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वो रेड बटन है उसको क्लिक करना होगा और उसमें साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करना होगा, जिससे कि आपको मेरी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको वीडियो पसंद आती तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी ये हेल्पफुल हो सकती है, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। जल्दी ही मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय बाय।